सत्ता का सुख पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां आए दिन नए नए हथकंडे अपना रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है राम वन गमन यात्रा, जिसको कि आचार संहिता के उल्लंघन के तहत रोक लिया गया और डिंडोरी में थाने के सामने खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। फर्जी वोटर लिस्ट के मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कमलनाथ की याचिका। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा #MeToo पर एक कमेटी का गठन होगा। दुर्गा पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपए देगी पश्चिम बंगाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। धार जिले के गंधवानी क्षेत्र में एक फुटवेयर स्टोर में आग लगने से पूरे क्षेत्र में गर्मा गर्मी का माहौल है। चुनावी आचार संहिता के बाद मुरैना पुलिस ने 4 लाख रुपए की शराब जब्त की। एंड ऑडियंस के लिए एक्साइटमेंट से भरपूर है रास उल्लास गरबा 2018। एमपी न्यूज इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है। शेयर बाजार में बड़ी रौनक, 700 अंक बढ़कर बंद हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार की तैयारी कर ले। 20 अक्टूबर को तेलंगाना जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी रैली का संबोधन करेंगे। इंदौर के एक निजी कॉलेज में कॉलेज स्टूडेंट्स ने नेताओं का गेटअप लिया।